Tempus expletum est. अब तो मुझे भी लैटिन भाषा आ गई है। अच्छी है, बस समझ में नहीं आती कि क्या बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं वक्त खत्म हो गया। मिस्टर वासिफ, आपको ये भाषा कैसे आ गई? मुझे हमेशा से ये जानना था। मैं एक बार ऑन बोर्ड था, बस वहीं पे लैटिन सीख ली। इसका टाइम खत्म हो चुका है, क्या होने वाला है बताइए डॉक्टर। आपको याद है मैंने शुरुआत में आपको क्या बताया था? हमको उनके फैसले का इंतजार करना होगा। वे बेहोश हैं, लेकिन असल में हैं वो जिंदा। वो खुद चाहेंगे तभी दिन की रोशनी देख पाएंगे, वरना नहीं। ये जंग इनके दिमाग में चल रही है, ये सब घटनाएं इनके दिमाग में हो रही हैं। वो अपनी नींद में सोचेंगे और अपनी गलतियों को गौर से देखेंगे। वो चीजों को ऐसे नहीं देखेंगे जैसी वो हैं, वैसे देखेंगे जैसे वो देखना चाहते हैं। मेडिकल साइंस में इस थ्योरी को कहते हैं खोए हुए हिस्से की थ्योरी। तो मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? खोए हुए हिस्से की थ्योरी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उसे खो देते हैं, तो एक हिस्सा हमारे अंदर टूट जाता है। फिर हम उसे ढूंढने में लग जाते हैं। जो उसे ढूंढ लेता है वो जीत जाता है, पर जिसे नहीं मिलता वो वहीं पर ठहर जाता है। अच्छी है। यानी अब तक सबने अपनी जिंदगी के फैसले ले लिए हैं। बेतुल भी अपना खोया हिस्सा ढूंढने की कोशिश करेगी और पूरी हो जाएगी, क्योंकि अब वक्त हो चुका है, वापसी का वक्त। जिंदगी और मौत के फैसलों के बीच अब हम ये जिस मंजिल पर पहुंचेंगे वो सिर्फ मैं की होगी या फिर हम की होगी, क्योंकि इसी के ऊपर इन सबका भविष्य निर्भर करता है। तो देखते हैं क्या होता है। किसी ना किसी ने जरूर कहा था, सब सोचते हैं वो आम आदमी है, पागल नहीं। पर सोचो, जो वो सोचते हैं उसको कई मिनटों कई घंटों तक बोलते रह सकते हैं, कई बार तो दिनों तक, कई रातों हफ्तों तक। शब्दों को ऊंचा नीचा करके टेढ़े मेढ़े एक्सेंट में बोलते जाते हैं, एक ही बात को कितनी ही अलग अलग अंदाज में। फिर वो शब्द दूसरा रूप ले लेते हैं, बातों के विषय लोगों का रूप ले लेते हैं, फिर वो और तेज बोलने लगते हैं। पर फिर वो शांत हो जाते हैं, क्योंकि बातें करने से ज्यादा उन्हें एक्शन लेने में मजा आने लगता है, और किसी चीज की तस्वीर या छवि उस चीज से भी बड़ी होती है। फिर भूख, गरीबी और इस्केंदर कबाब के ख्यालों के बारे में सोचो। मुझे लगता है शायद सब वक्त और कायनात भी एक छवि के गुलाम है। ये पूरी दुनिया हमारे दिमाग में एक तस्वीर के रूप में ही तो रहती है, फिर हमको इस दिमागी तस्वीर को तोड़ने के लिए मुंह खोलना पड़ता है। और जब किसी चीज की छवि या तस्वीर टूट जाती है तो हम इतना बेचैन हो जाते हैं कि उससे भागने लगते हैं। यहां नींद नहीं आ रही। उफ, मेरा सर। आए। कल तक वो मकान बांटना शुरू कर देंगे। एक हफ्ते तक काम खत्म करना है और घर बनाना शुरू कर देना है, और मुझसे अकेले ये काम नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तब तैयारी ठीक है? हाँ सर, काम की मशीन्स कल से आ जाएंगी। हम पूरा जोर लगाकर काम शुरू करने वाले हैं, आप फिक्र मत कीजिए। देख लेना, अब आएगा मजा, असली मजा। अच्छा सुनो, तुम
तुमने गैस खरीद ली ना? अरे नहीं नहीं, हम आगे जाके खरीद लेंगे, अभी के लिए बहुत है, आएगा से खरीद लेंगे ना, अभी काम चल जाएगा। तुम लोग टेंशन मत लो, बस एंजॉय करो। खुद को समझने लगी हूँ अब, मुझे कुछ तो हो रहा है, शायद ये उसी दिमाग वाली गोली का असर है। पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? जैसे मेरी दुनिया फिर से बन रही हो, मैं खुद से परे होती जा रही हूँ, कुछ और बनती जा रही हूँ। मेरा खून अब साफ है, सांस खुल के आ रही है और पहली बार दिल की धड़कन लय पर चल रही है। मुझे सब दिख रहा है। जरा गाड़ी रोको। क्या? गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। क्यों? कहा ना। अजीब लड़की है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद पहली बार अपनी जिंदगी की कहानी में मैं हीरोइन हूँ और बहुत कुछ बदलने की ताकत है मुझ में। उठो ना बेतुल। अरे हम साथ में सोए थे कल रात, हाय रब्बा। हाँ, इसीलिए तो तुम्हें जगाया, नाश्ता तैयार है। सच में तुम्हें इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? हाँ हम कहाँ हैं और मैं यहाँ कैसे आया? कहीं नींद में चलकर तो नहीं आ गया? शांत हो जाओ, तुम शायद पार्टी में थे और वहां से यहाँ आ गए। आस पड़ोस में अजीब चीजें हो रही हैं, इसलिए अब तुम उठ जाओ, हमें हमारे दोस्तों को ढूंढना है। अरे ठीक है? कितना बोलती हो तुम, ये सब छोड़ो, हम फिर से सो जाते हैं। चैम चैम चैम, उठ भी जाओ, हमें सबको उठाना होगा, अर्जेंट है ये। पिज्जा पिज्जा, चलो उठो, चलो चलो यहाँ से। ये क्या हो रहा है, हम यहाँ कैसे आ गए? बाकी सब कहाँ है? वो सभी फैमिली ट्रिप पर भी नहीं जा सके। ये नॉर्मल सुबह जैसी नहीं लग रही, कुछ तो गड़बड़ है, अपने आसपास देखो। ये ऐसे नहीं चल सकता। हेल्प मी मेलिस, एक बार बाहर तो आओ, मैं तैफूर। इधर हेल्प मी, पकड़ो इसे जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, इसे यहाँ ले आओ। हाँ मैं भी पहुंच गया। मिलिस यहां नहीं। मिलिस 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 कहां है? मिलिस इसके नीचे तो नहीं? मिलिस कहां गई मेरी मिलिस? शांत हो जाओ, यहीं कहीं होगी। मिलिस मिलिस यहां भी कहां नहीं, कहां गई होगी? मदद कर, कहां हो तुम? मिलिस अंदर है क्या? यहां भी नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हमारे गली मोहल्ले में क्या हो रहा है? हम भी तो यही मोहल्ले में थे, कौन से मैसाचुसेट्स में थे? तैफूर ये कैसे पॉसिबल है, हम इतनी देर तक सोए कैसे रह गए? दुनिया में क्या क्या हो गया? मैंने आज सुबह कुछ लोगों को देखा था, उनमें से एक आदमी है जो जमीन इकट्ठा करता है। सारे के सारे जमींदार कल उसको अपने टाइटल्स देने वाले हैं। वो ऐसी ही कुछ बात कर रहा था।
पर मेलिस को क्या हुआ होगा? वो कहां चली गई? आखिर सब कहां चले जाते हैं? ऐसे कोई गायब थोड़ी हो सकता है। क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? ओए मजनू, थोड़ी ठंड रख। असीम और सेफ्ती हमसे एक कदम आगे हैं। उन्होंने जरूर कुछ नोटिस किया होगा, आखिर वो अखबार में काम करते हैं। हमें ये सोचना है कि वो कहां हो सकते हैं। इस वक्त यही जरूरी है। अखबार। मैं ये नहीं समझ रहा कि हम कहाँ थे जब ये सब हो रहा था। वो छोड़ो, उनका सोचो कि अभी वो कहाँ होंगे। मिस्टर सबातिया, हमें जानना है ये सब क्या हो रहा है। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है, पर हम सबकी नौकरी गई। क्या नौकरी चली गई? पर असीम भाई कहाँ हैं? मिस्टर असीम ने अखबार भेज दिया, वो अब सदन कोस्टल टाउन चले गए हैं। एक समझदार और पढ़े लिखे आदमी होने के नाते मैं बस बचा खुचा सब उठाने आया था ताकि कार्गो में दे सकूं। क्या ये सब कुछ उस अखबार की खबर की वजह से हुआ है? देखो, तुदुलु बहुत खतरे में है। पहले तो पानी की सप्लाई कट गई, बाद में पानी आ भी गया तो लोग कहने लगे कि वो टॉक्सिक वेस्ट का मिला हुआ पानी है जिसे पीकर पक्षी और जानवर मर गए। हाँ, हमने ऐसा अखबार में पढ़ा था। एग्जैक्टली। देखो, दरअसल मिस्टर आसिम और उनके अखबार को धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी। मिस्टर आसिम और बर्दाश्त नहीं कर पाए। मैं तो कहता हूं तुम सब भी अब यहां से निकल जाओ। तुदलू में रहना ठीक नहीं। मुझे भी कार्गो तक पहुंचना है इससे पहले कि वो चली जाए। अपना ख्याल रखना। अरे, डरा ही दिया मुझे। मिनी जी, कैसी हैं आप? हाँ जी, ठीक हूँ मैं तो। पर आप यहाँ खड़े खड़े सबको देख क्यों रहे हैं? नहीं, मैं तो बस यूं ही, कुछ नहीं। मिनी जी और अयूब बेटा, देखो मुझसे पूछना मत कि क्या हुआ। ये जगह बहुत मुसीबत में है। मैं दरअसल ये देख रहा हूँ कि यहाँ सब लोग बच जाए। हमने अखबार में इसके बारे में पढ़ा था, पर समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। लगा कि कुछ गड़बड़ हुई है, पता नहीं क्या हुआ। मतलब? देखो तो, बेवकूफों जैसी बातें करने लगे। मिस्टर असीम से ही पूछो ना। नहीं एमिनी जी, वहाँ मत जाइए। वक्त मुश्किल चल रहा है, सब मोहल्ले छोड़ के जा रहे हैं। सबसे पहले निकल जाने वाला ही समझदार है। मिस्टर असीम भी अखबार बेच कर यूरोप चले गए हैं। किसको बेच दिया? अब ये तो मुझे पता नहीं, जरूर कोई ना कोई अमीर ही होगा। मुझे भी अब जाना होगा और तुम सब भी यहाँ से चले जाओ। मैं कहता हूँ खुदा हाफिज। अरे बाप रे, चलो मॉम। अयूब भाई, एमिना आंटी, मेलिस कहाँ है? मुझे लगा आप लोग यहाँ से चले गए। वो अभी यही है, गुल आई थी सुबह सुबह, उससे कुछ बात की और फिर चले गए उन लोग। अब आप क्या करें? ये जगह बर्बाद है, सब यहाँ पे घर बेच रहे हैं। हम भी मिस्टर आसिम से यहाँ पर मिलने आए थे, तो देखते हैं अब क्या होता है आगे। आप फिक्र मत कीजिए। हम भी मिलने आए थे, पर वो सब कुछ बेच के साउथ चले गए। नहीं नहीं, अंकल वासिफ ने बोला कि वो यूरोप गए हैं। अरे भाई, सेबाती को सब पता है, क्योंकि वो उनका सामान कार्गो से भेज रहा है। साउथ ही होगा। कुछ गड़बड़ है, मैं बता रही हूँ तुम्हें, सच में कुछ गड़बड़ है। सब झूठ बोल रहे हैं, हमें ही ढूंढना होगा। चलो बाहर निकलते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर सच है क्या। मैं सेबाती को ढूंढने इस तरफ जाऊंगा। देखो, इस लड़के में कुछ गड़बड़ है, इसका पीछा करो। हाँ हाँ, ठीक है मॉम। अब तुम बिल्कुल आदमी जैसे लग रहे हो, अच्छा है। यही तो मैं बोल रही थी तुम्हें। मुझे बताओ, तुम्हें ये सब कब से पता है?
क्या पता है? यही मिस्टर आसिम और सेबाती का अजीब बर्ताव। पता नहीं, उन्होंने अखबार के काम से हाथ छुड़ा लिया है। पता नहीं, सेबाती ही सब देख रहा था, वो अभी यहीं पे था। सच में तुम्हें कैसे पता कि वो यहीं पे था? मैंने उसका पीछा किया था। हम आज सुबह कंस्ट्रक्शन साइट पर मिलेंगे। अखबार का आखिरी इशू भी प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद ये काम भी हो जाएगा। हम बिल्डिंग तब तक नहीं बनाएंगे जब तक दुदलू पे कब्जा नहीं कर लेंगे। तुम एक काम करो, तुम ये पैसे रख लो और आराम करो जब तक काम होता है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जो मकान नहीं बेच रहे उनसे मैं बात कर लूंगा। आज नहीं तो कल उन्हें किसी भी हालत में घर बेचना ही है। नहीं बेचेंगे तो मैं संभाल लूंगा सारी बातें, आप चिंता ना करें। दुदुल्लू से एक जहरीली सी गैस निकलेगी और कल से फैलना शुरू हो जाएगी। यहाँ कोई भी नहीं रहेगा। ओह नो, क्या कोई और खबर भी है? दुदुल्लू के एक इज्जतदार बुजुर्ग वासिफ ने कहा कि उन्होंने ऐसी वहशियत अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखी। दुदुल्लू छोड़ के जाना अब जरूरी है। अब ये क्या हो रहा है यार? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। शायद हमें गैस की वजह से ना दिख रहा हो। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये आज का अखबार नहीं है। अच्छा, तो ये पुराना है? दरअसल उल्टा, ये कल का है, आने वाले कल का। क्या वासिफ ने क्या कोई जादू की पुड़िया खाई है? उसे कैसे पता? हाँ, जादू की पुड़िया का तो पता नहीं, पर कुछ गड़बड़ जरूर है, पक्का। उन्होंने लिखा कि क्या होने वाला है, ना कि क्या हुआ है, क्योंकि वो भविष्य तय करते हैं। हम अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हैं, हम वो जी रहे हैं जो उन्होंने तय किया है। वो इस खबर के साथ हम पे इस भविष्य को थोप रहे हैं। जब ये होगा तो हमारे पास उसे मानने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। जब कोई चीज़ सामने होती है तो उससे भागने का ख्याल नहीं आता है। जैसे कि जब हमें बाप का थप्पड़ पड़ने वाला हो और वो हवा में दिख रहा हो, फिर भी हम वहाँ से हटते नहीं हैं। हम उस थप्पड़ का वेट करते हैं, हम थप्पड़ से भागते नहीं हैं। पर ये खबर वो थप्पड़ है, वो थप्पड़ जो हमें अपने से भागने का मौका दे रहा है। अगर सब चले गए तो समझो कि ये थप्पड़ उन्हें लग गया है। हमें सबको ये बताना होगा। हैं? वो बूढ़े वासिफ ने ये सब लिखा क्या? क्या हो रहा है ये सब? कोई उनकी मदद कर रहा है। वाह, देखो जरा मेरी जाने मन कितनी समझदार बातें करती है। बोलो बेतुल, बोलो मेरी शहजादी, तुम हमें बताओ, हम निशाना वही लगाएंगे। तुम बस बोलो, हम सब जान दे देंगे कौन उसकी मदद कर रहा है। हमें ये बता दो कि इन सब के पीछे कौन है, फिर देखना हम उसे नहीं छोड़ेंगे। ये सब मैं खुद करूंगी, पर पहले ये जानना जरूरी है कि क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। ये लोग सब गली मोहल्ले खत्म कर देंगे, मोहल्ले खत्म कर देंगे। मैंने अंकल वासिफ को बात करते हुए देखा, वो कल सुबह 7 बजे स्पेस रेसिडेंस में मिलेंगे। स्पेस रेसिडेंस, वो पापा का कंस्ट्रक्शन है। लिखो बेटा, दुदलू पे काले बादल छाए हुए हैं, गलियों में खतरनाक जहर उड़ेला जा रहा है। कोई गेस करेगा, जब मैं सेबाती का पीछा करने गया तो मुझे क्या मिला? मुझे वो जगह मिल गई जहाँ अखबार छपता है। कौन छापता है अखबार? सेबाती अकेले छापता है वो। हाँ, मिस्टर आसिम हाथ और पाँव बांधे हुए इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार? वो भी तो यही जानना चाहते हैं। शायद मुझे पता है। तो फिर हमें भी बताओ मेरी जान। असीम वेट कर रहे हैं क्योंकि उनके खाविंदों का काम अभी पूरा नहीं हुआ, सेबाती और वासिफ का काम। और मुझे पता है कि वो आज ही अपने प्लान को अंजाम देने वाले हैं। तो अब हम क्या करें, ऐसे गोल 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 घूमते रहें? मेरे पास एक प्लान है। हाँ तो आगे लिखो, इस वक्त इस दौर पे आके सबको सबसे जरूरी कदम जल्द से जल्द उठाना चाहिए।
आगे लिखो दुदुलू में अब आखिरी लोग बचे हैं जो आज या कल में यहां से निकल जाएंगे। हमें ये देखकर बहुत खुशी होगी। तुमने लिखा ना? हाँ, इनफैक्ट मैंने लिखा है दुदुलू के खुशनुमा लोग। क्या बोले जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि क्या लिखना है? आई नो, पर पहले ये मशीन पहले कभी नहीं देखा है ना। कुछ बोलता रहता है, चल चल उठ, मेरी और वक्त की जंग छिड़ी हुई है, चल उठ। मौत के खिलाफ एक जंग। क्या हो रहा है, तुम्हें ये जगह कैसे मिली? हाँ, सेबाती मेरा है। हैंसम, एक मिनट सुनो। तुम इस औरत को जानते हो? क्या ये जानता है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मिस्टर आसिम इस औरत को जानते हैं क्या? पता नहीं आसिम क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। तो अब हम क्या करें बताओ? उससे बात करो। हाय। हाय। तुम मिस्टर आसिम को जानती हो? मुझे तो नहीं पता। वो आदमी जिसके हाथ बंधे हैं वहां पे। कितनी बातें करता है ये। क्या हो रहा है, ये आसिम को जानती है? क्या हो रहा है? जाओ बता दो बेचारे को। जानती हो मिस्टर आसिम को? सब कुछ कितना अजीब लग रहा है, किसकी स्टोरी थी वो? ये मेरी स्टोरी है, ये मेरी ही होनी चाहिए। मुझे इस पे अपना हक चाहिए। जब ये खत्म होगी तो मेरी कहानी कहलाएगी। मेरी जिंदगी को इस बड़ी कहानी की जरूरत है। अब एहसास हो रहा है कि अगर अपनी कहानी बतानी है तो रिस्क भी उठाना पड़ता है। अरे क्या हो रहा है, सपने में घर खरीद लिया क्या? हम अंदर जाएंगे। क्या कहा? ये कह रही है कि हम अंदर जाएंगे। शायद वो सुनना चाहता ही नहीं भाई, और शायद उसे सुनना अच्छा भी ना लगे। हाँ, तुम सबने पी हुई है क्या? आपको लगता है तो पी रखी है, या तो फिर हमें अकल नाम की चीज नहीं है। काश हमने सच में पी ली होती तो कितना मजा आता। हम अंदर जाएंगे। अरे बॉस की बेटी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह मेरे डैड की है। क्या तुम्हें ड्रिल करना आता है? हाँ चलो। मैं अपनी कहानी बताने के लिए रिस्क उठा रही हूँ, अपने खुद के डैड की कंपनी को रेड करके हजारों जमीनों के टाइटल्स और खूनी हक वापस लूंगी जो उन्होंने सबसे झूठ बोल के हत्याए हैं। क्या ये रिस्क है? है तो सही, क्योंकि इसमें गजब का एक्साइटमेंट है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम भी किसी काम के हो, और जब तुम्हारी अहमियत है तब तुम जिंदा हो, और जब तुम जिंदा हो तभी अपनी कहानी को जीत सकते हो, तब तुम वो बन सकते हो जो तुम हो, वरना तुम सिर्फ मिट्टी का ढेर हो जिससे इमारतें बनती हैं। सब ठीक है? बेशक सर। और जमीन का क्या? वो तो ठीक है ना? चिंता न करें, सब इंतजाम कर लिए मैंने। लफंगों, आ जाओ। हो गया। वासिफ अंकल। कौन से अंकल? तैफुर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस हम अपना काम कर रहे हैं। कैसा काम बताओ इन्हें? देखिए अंकल वासिफ। क्या कह रहे हो? इसे कहते हैं फोटोग्राफिक कैमरा। सच में? हाँ, और ये है लेंस। आपको एक बटन दबाना है और लेंस को जहाँ घुमाना है घुमा सकते हैं। फिर क्या, आपने बटन दबाया और आपकी फोटो खिंच गई? ये क्या बकवास है, आपके पास नहीं है इसलिए कह रहे हैं। वासिफ अंकल,
किसी ना किसी ने जरूर कहा था कि सब सोचते हैं वो आम आदमी है, पागल नहीं। जब आप कुछ बोलते हैं तो आपकी आवाज हवा में घुल जाती है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक टकराती है, फिर ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाती। तब ऐसा लगता है जैसे आपके सर पर कोई हथौड़ा मार गया। तब आप खुद से सवाल करने लगते हैं, वो भी बिना जवाब की उम्मीद के। ऐसे पलों में हर सवाल दिमाग में एक गूंजती आवाज बन जाता है। पहले मैं खुद में ही इतना गुम रहा करती थी कि ये सब फिजूल की बातें मुझे मशरूफ रखती थी, बातें जिनमें कई मिनट कई घंटे बीत जाते थे, कई बार तो दिनों तक, कई रातों और हफ्तों तक। शब्दों को ऊंचा नीचा करके टेढ़े मेढ़े एक्सेंट में बोलते जाते हैं, एक ही बात को कितने ही अलग अलग अंदाज में। फिर वो ही शब्द दूसरा रूप ले लेते हैं, बातों के विषय लोगों का रूप ले लेते हैं, फिर वो और तेज बोलने लगते हैं, पर फिर वो शांत हो जाते हैं क्योंकि बातें करने से ज्यादा उन्हें एक्शन लेने में मजा आने लगता है। बेतुल, बेतुल, रुको, क्या हो रहा है? क्या गजब का दिन आया है ना डैड? अरे झगड़ा बंद कर दो, क्या हो रहा है ये सब? इसको अंजाम तक पहुंचाना कहते हैं डैड। कैसा अंजाम? आपने जो भी चाहा वो हमेशा खरीद लिया। हाँ। आपने मुझे भी ना नहीं कहा, विदेशों के कॉलेज में भेजा, महंगे क्रूजेस पे तुम भेजा। आखिर कहना क्या चाहती हो? आपने मुझसे मेरी मर्जी कभी नहीं पूछी, मैं किस तरह जीना चाहती हूँ ये नहीं पूछा। आपको तो पता भी नहीं मैं क्या चाहती हूँ। मेरी जिंदगी असली कभी भी नहीं थी, मेरी जिंदगी आपकी बनाई हुई थी। तुम कहना क्या चाहती हो, आखिर मुझे कुछ तो बताओ। आपने ये सब कैसे खड़ा किया डैड, ये बंगलोज, विलास, अपार्टमेंट्स वगैरह? मैंने कड़ी मेहनत की है बेटा। नहीं डैड, आपने कभी भी दूसरों से नहीं पूछा कि वो क्या चाहते हैं। आपने कभी भी उनको उनकी जिंदगी नहीं जीने दी, उनकी जिंदगी लेकर आपने दूसरों को दे दी और फिर सब गलत हुआ। बेतुल रुक जाओ। है? नहीं है? ऐसा मत करना। नहीं, तुम मेरी बेटी हो, रुको। नहीं बेटा ऐसा मत करना, रुक जाओ। नहीं बेटी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मत करो ऐसा। किसी चीज की तस्वीर या छवि उस चीज से बड़ी होती है। भूख, गरीबी और इस्किंदर कबाब का सोचो। मैं सोचती थी कि वक्त और कायनात सब एक तस्वीर के गुलाम हैं। सोचो, इस दुनिया के कर्ज और मुनाफे, हर चीज को हम तस्वीर के रूप में याद रखते हैं। फिर हमको इस दिमाग की तस्वीर को तोड़ने के लिए मुंह खोलना पड़ता है, और जब किसी चीज की छवि या तस्वीर टूट जाती है तो हम इतने बेचैन हो जाते हैं कि उससे भागने लगते हैं। मेहमत दिशन, बधाई हो, बधाई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये लो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जेतिन एक्यूरेट, भागो। ऐसा ही होना चाहिए था, बहुत अच्छा खेल रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमने भी मदद की है। इतने अच्छे आदमी है ना ये। वेल डन दानाजी, हमने इतना बड़ा काम कर दिखाया। कितना बड़ा ऑपरेशन था ये। उसने किया है ये सब कुछ, हमने नहीं। भाभी तो बहुत बहादुर निकली भाई, अपने डैड को भूल के सबकी मदद की। पसंद किसकी है? उमर तुर्कोट। आपने मेरी गर्लफ्रेंड को कम समझा था। कम समझना दूर की बात, मैं तो इसे तेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं समझता था। बेहतर होगा तुम अपनी गर्लफ्रेंड पर ध्यान दो, हमेशा बकवास करते हो। अच्छा मैं बकवास करता रहता हूँ, ये लो अभी मुंह बंद करता हूँ मैं, एकदम बंद। कांग्रेट्स मिस्टर ओमेर। दोस्तों पहले ये बताओ, इतनी समझदार कन्याओं का तुम लोग करोगे क्या? क्या करोगे तुम लोग का क्या मतलब है, हमें क्या करना है? अब जो भी करना है ये कन्याएं ही करेंगी, इन्हें ज्यादा अक्कल है, हम तो बस बकवास करते हैं। देखो प्लीज, अब तुम मुंह लटका कर मत बैठना है तैफुर, सबको अपने घर वापस करने हैं। कितना मजा आ रहा है, तुम हमेशा ऐसा करते हो। अब सबके जमीन के टाइटल्स वापस मिल गए हैं, आ जाओ सब लोग, हाले डांस करने के लिए सब लोग डांस फ्लोर पे पहुँचो। चलो फाइनली इनका ये प्रोग्राम खत्म हुआ, चलो कमर हिलाते हैं, आ जाओ।
मैं जर्नलिस्ट आसिम वेलियोगलू हूं। बहुत जिंदगी जी ली और बहुत कुछ देख लिया। जो गोली मेरे दिमाग में धसी है उससे इजाजत लेके मैं आप सबको ये हुक्म देता हूं कि अपने अपने सपने से जाग जाएं, क्योंकि जिंदगी ही एक सपना है मेरे दोस्त। जिंदगी एक सपना है, फिर भी मैं चाहता हूं कि इस सपने से उठ जाओ। मैं भी उठ जाऊंगा। सोचो, जिस दुल्हन की शादी है, क्या पता आगे चल के वो अपने ही पति से तंग आके उसे मार डाले। पर अभी तो जश्न है, शादी है, डीजे है, तो हमारा फर्ज है कि जी ले। क्या पता आगे चल के इनका तलाक ही हो जाए, क्योंकि बराती ही इतने बदमाश हैं तो दूल्हा शरीफ होगा ये बिल्कुल उम्मीद नहीं है। और ज्यादा बदमाश हुआ तो वो तलाक नहीं देगा, तब तो फिर उसका खून ही करना पड़ेगा। सोचो, कुछ भी हो सकता है। दूल्हा दुल्हन चाहे जैसे भी हो, इस शादी को कोई नहीं रोक सकता। तो हमारा फर्ज बन जाता है भीड़ एक साथ बस नाचते जाए, क्योंकि ये जिंदगी बस ऐसी ही है, एक नाच की तरह। और ये नाच भी एक सबूत है कि हम सपना देख रहे हैं, दुल्हा दुल्हन को तोहफे दे रहे हैं, अपने ही कातिल को सुपारी दे रहे हैं। अगर तुम होने को बदल नहीं सकते तो सिर्फ उन्हें एक सपने की तरह देखते जाओ। ये शादी एक सपना है, दुल्हा दुल्हन भी सपने में है। हम नाच रहे हैं और सपने को जी रहे हैं। जब आंखें जिंदगी की सारी रोशनी को समेटकर उसकी तस्वीर बना के हमें दिखाती हैं, तो वो सपना कहलाता है। कभी किसी दूर जंगल से शेर आते दिखाई देते हैं, जो दरअसल असली नहीं होते। कभी कोई अनजाने लोग दिख जाते हैं, कभी हम खुद को देखते हैं। ये सब कुछ एक सपने में। जब समझ जाते हो कि ये सपना है, तो क्या बिस्तर से उठ के भाग जाते हो? तुम सिर्फ तभी उठ सकते हो जब वो तुम्हारी आंखें खोल दे। अगर हर इंसान और उसकी दुनिया एक जैसा सही व्यवहार करे तो वो सपना बड़ा होता है और वो सच्चाई बन जाता है। हम सब इस अजीब सी दुनिया को एक साथ ही जीते हैं, पर जरा सोच कर देखो, अगर हम सब भी एक सपने में हैं, तो वो सपना किसका है? कौन उसे देख रहा है? वो जो भी है जरूर सो तो नहीं रहा होगा। हम सभी शायद किसी जागते हुए इंसान के सपने में हैं। जिंदगी का क्या भरोसा? क्या पता यहीं पे दुल्हा दुल्हन खून खराबा कर दें और हम भी दुनिया से रुखसत। हम सब के सर में एक गोली फंसी है। हम सब ने अपने अपने बिस्तर पे सैकड़ों सपने देख डाले हैं, और वो सपने जो सच्चाई का प्रतिबिंब है, हमें अपनी सच्चाई से मिला गए। सपने सच्चाई का दर्पण है। पर फिर दर्पण क्या है? दर्पण में पड़ने वाले प्रतिबिंब का हमारे बिना कोई वजूद नहीं। हम दर्पण के सामने नहीं होंगे तो कोई छवि बनेगी ही नहीं। इसीलिए दर्पण की वैल्यू कुछ नहीं, वो तो दरअसल हमारे ही सहारे टिका है। हर किसी का प्रतिबिंब जैसा वो है वैसा ही दिखता है। मेलिस के सपनों में तायफुर अलग जगह पे है, तायफुर के सपने में मेलिस अलग जगह पे है। अलग इंसान, अलग सोच, और अलग सोच अलग तरह के आइडियाज को जन्म देती है। अगर दोनों के ख्याल उलझ जाते तो ये सपनों का दर्पण टूट जाता। अब ये तो कोई भी झाड़ फूंक वाला कह देता है कि बेटा, सपने में दर्पण का टूटना अच्छा शगुन नहीं है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सपने में दर्पण टूटने का मतलब है कहीं किसी की मौत हो गई। कुछ भी तो कहते हैं लोग, पर मैं तो बस अब यही कहूंगा कि ये जिंदगी हसीन है, और दर्पण जैसी अपने सपनों की दुनिया से जाग के वापस आ जाओ। और उठ जाने के लिए तुम सबको खालीपन में आना होगा, दर्पण के खालीपन में, और खुद को गौर से देखना होगा कि तुम कौन हो। जैसे जैसे हम सच की दुनिया के करीब आते जाएंगे, धीरे धीरे खुद के भी करीब आ जाएंगे। अगर करीब से दर्पण को देखोगे तो जानोगे कि आसपास की जगहों, इमारतों वगैरह को छोड़कर बाकी सब तो इंसान है, आम मामूली हाड़ मास हड्डियों खून के बने लोग, आप जैसे ही लोग। अगर ये जान जाओ कि जिंदगी ही एक सपना है जो मौत की आंखों में पल रहा है, तो पता चलेगा कि इससे आजाद होके जीना भी एक सपना है। जो लोग इस धरती पर हमेशा जिंदा रहना चाहते थे, वो अब मर चुके हैं, शायद एक सितारा बन चुके हैं। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि कुछ दूर रोशनी के बाद भी अंधेरा ही होता है, और कभी कभी पास की चीजें भी नजर नहीं आती, जैसे कोई सुरंग में से झांक रहा हो, जहां पहले अंधेरा और फिर रोशनी नजर आती है। कुछ पढ़े लिखे लोग इसे कहते हैं आंखें चौंधियाना। अब इस सपने से कैसे जागे? मैं तो अपने सर में लगी गोली के तजुर्बे से यही बोलूंगा कि जिंदगी में सही होने का एहसास, नीचे से ऊपर उठने का एहसास, और किसी ख्वाहिश के पूरा होने का एहसास
हमने ये सब जिए हैं, साथ में चलने का एहसास, दबी ख्वाहिशों को पूरा करने का एहसास, कुछ कर गुजरने का एहसास और अपने प्यार के लिए नींद से जाग जाने का एहसास भी। अगर इन सब एहसासों को निकाल दो तो क्या रह जाएगा? मैंने बहुत हिसाब किताब किया और जवाब था एक। हाँ, एक, एक ही रह जाएगा, एक अकेला आदमी। जैसे किसी ने कहा है कि अकेले हो तो बस एक पेड़ हो, पर साथ में हो तो पूरा आबाद जंगल हो। तो उठ जाओ, उठ जाओ, क्योंकि सुबह आ गई है और सूरज उग आया है, वो सूरज जो रोज उगेगा ताकि फूल फिर खिल सके। आसिम वेलियोग्लो। सर, आपकी दवाई। थैंक यू सेवाती। और हां, इस ऑफर के बारे में, इसे एक अनदेखी पहेली बनाने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि इसके लिए बीच का कोई रास्ता निकाला जाए, यही एक सॉल्यूशन है। अब यही कहना चाहूंगा कि इस मोड़ पे आके कभी भी अगर किसी भी तरह की बेचैनी महसूस करने लगो, उस समय दर्पण में झांक के जरूर देखना, क्योंकि दर्पण कभी भी झूठ नहीं बोलेगा।